भारतीय क्रिकेट टीम यहां पहुंची है। आप तस्वीरों में देखिए, सबसे पहले शिखर धवन नजर आ रहे हैं आपको, और यहां पर ये तस्वीरों में आप देखिए वीवीएस लक्ष्मण है यहां पर, और श्रेयस अय्यर को आप देख पा रहे हैं जो उतरे हैं। उसके अलावे जो तमाम खिलाड़ी हैं वो उतर रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम में कई जो प्रमुख खिलाड़ी हैं वो शामिल नहीं हैं, लेकिन तस्वीरों में आप देखिए भैया सिराज को, सिराज के कोच सिराज आवेज खान किसी होटल में जो है। तस्वीरों में देख रहे हैं आप, सभी खिलाड़ी यहां पर नीचे उतरते हुए आप देख रहे हैं। ये सिराज खान आपको नजर आ रहा है, और ये सभी खिलाड़ी एक एक करके ये शुभम गिल ये दिखाई दे रहा है, और ईशान किशन जो है वो आपको दिखा दे रहा है। ईशान का होम टीम है ये, और ये साफ तौर पर ईशान किशन आपको देख पा रहे हैं। तो इस तरह से भारतीय क्रिकेट टीम यहाँ पहुंची है, इस रेडिशन होटल में रुकी है, और कल प्रैक्टिस है, और कल प्रैक्टिस के बाद 9 तारीख को दोनों टीम एक बार फिर से दूसरे वनडे मैच में जैसे स्टेडियम में मैदान में उतरेगी। और यहाँ पर तस्वीरों में आपको देख रहे हैं कि किस तरह से स्वागत किया गया भारतीय क्रिकेट टीम का। आप देख रहे हैं कि जो पारंपरिक तरीके से जो रांची में होने वाले भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे जो मैच होना है, उसके लिए दोनों ही टीम के खिलाड़ी अभी फिलहाल रांची पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये खिलाड़ी जो हैं रांची एयरपोर्ट से सीधा अभी जिस होटल में ठहरने वाले हैं, जो रांची के मेन रोड में है रेडिशन होटल, वहां पहुंचे हैं। और ये तस्वीरों में आप देखिए, इसमें जो हैं साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं आप देख पा रहे हैं, और ये सभी खिलाड़ी जो हैं अभी पहुंचे हैं यहां पर, और यहां से जो है ये खिलाड़ी, और ये पीछे देखिए दूसरी टीम जो है वो भी यहाँ पर पहुँच गई है, भारतीय क्रिकेट टीम। हालांकि जो प्रमुख खिलाड़ी हैं उसमें से ज़्यादातर खिलाड़ी अभी हिस्सा लेने नहीं पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी हैं, सामने में आपको श्रेयस अय्यर दिखाई दे रहे हैं, उसके ठीक पीछे जो तमाम खिलाड़ी हैं वो मौजूद हैं, हम तस्वीरों में आपको दिखाएंगे। यहाँ पर टीम इंडिया जो है इस बस में है, और इधर साउथ अफ्रीका, ये देखिए खिलाड़ी आपको हम दिखा रहे हैं, साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी धीरे धीरे करके नीचे उतर रहे हैं, और ये तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे। एक मिनट, ये श्रेयस अय्यर है, और यहाँ पर देख रहे हैं, और ये सामने इस तरफ साउथ अफ्रीका, एक भाई 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 साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो यहाँ पर उतर रही है। सामने जो होटल है रेडिशन होटल, इसी पे ये जाएंगे। अंदर ये जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, शिखर धवन भी बैठे हुए हैं। अरे धवन पाजी, इधर 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 खोलो ना यार, तस्वीर में आपको दिख रहा है यहाँ पर ये जो खिलाड़ी हैं वो सभी खिलाड़ी, ओ धवन। भारतीय क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ी इस बस में मौजूद हैं, और इस तरफ आप देख रहे हैं कि साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी धीरे धीरे बस से उतरकर सामने जो होटल है उसमें जा रहे हैं, और इस बस के ठीक पीछे ये भारतीय क्रिकेट टीम की बस लगी हुई है। श्रेयस अय्यर आपको दिखाई दे रहे हैं, पीछे की तरफ जो है आपको शिखर धवन भी नज़र आ रहे हैं, तमाम जो खिलाड़ी हैं वो, हालाँकि ये तस्वीर में आप साफ तौर पर देख रहे हैं, और
9 तारीख को ये मुकाबला होना है भारत और साउथ अफ्रीका के बीच, दूसरा वनडे मैच है। इससे पहले वनडे मैच में लखनऊ में भारतीय क्रिकेट टीम को 9 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा था, क्योंकि जो भारतीय क्रिकेट टीम ने अच्छा फाइट किया बावजूद इसके उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। तो उस हार का बदला जो है भारतीय क्रिकेट टीम शायद रांची के JSCA स्टेडियम में लें, और उसकी पूरी संभावना भी दिख रही है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम को अगर आप देखें तो उसके ट्रैक रिकॉर्ड, ये साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों उतर रहे हैं, ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं एक एक करके साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी उतर कर होटल की तरफ जाते हुए। और यहाँ ये शिखर धवन नजर आ रहे हैं, चूंकि उन्हीं के नेतृत्व में फिलहाल जो है यहाँ पर ये मैच हो रहा है। अब यहाँ से आपको तस्वीरों में हम दिखाएंगे आपको कि साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी उतर कर ये होटल में चले गए हैं, और अब फिलहाल जो ये बस यहाँ पर लगती हुई नजर आ रही है। एक मिनट, ये तस्वीर देखिए, सिराज, ये सिराज, सिराज, सिराज।